नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत चंदना का मामला, सचिव व रोजगार सहायक को पद से हटाने सौंपा ज्ञापन। जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत चंदना में सचिव व रोजगार सहायक को पद से हटाने ग्रामीणों के द्वारा 5 फरवरी को जिला पंचायत बालाघाट में ज्ञापन सौंपा गया है। मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। जानकारी देते हुए ग्रामीण युवक द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत चंदना में पदस्थ सचिव एवं रोजगार सहायक व मेट के द्वारा सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट स्कूल को तोड़कर उसकी सामग्री चोरी से बेच दी गई है सहायक सचिव पवन मागरे के द्वारा। और हमारे यहाँ जो तालाब के जो काम आते हैं और अन्य जो काम आते हैं वो पूरा काम होता नहीं है। उसमें जैसे 10% काम होता है, बाकी करप्शन करके वो लोग खा लेते हैं। और जो पशु शेड आए हैं वो निजी ज़मीन में ना बना के वो सरकारी ज़मीन में बनाया जा रहा है। ये 4-5 साल हो गया सर चल रहा है। हम लोगों ने आवेदन लिख के सचिव महोदय को दिया हुआ था, उन्होंने फाड़ दिया कि जाओ मेरा जो करना है वो कर लीजिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसके पहले हमारे यहाँ जनपद पंचायत परसवाड़ा में सीओ साहब के पास हम आवेदन लेके गए थे। उन लोग वो आए भी थे पर उनकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम आज यहाँ जिला कार्यालय आए थे। तो क्या कार्रवाई की? उन लोग फील्ड पे तो नहीं गए, जो तालाब देखने भी नहीं गए, किसी का पशु शेड देखने नहीं गए, पंचायत में आए, आधा एक घंटा रहे। और उन्होंने ये बोला था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर सहायक रोजगार सहायक को हटा देंगे, पर उन्होंने आज तक के नहीं हटाया। किसने बोला था? ये सीओ साहब ने बोले थे। परसवाड़ा जी, परसवाड़ा नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। हम क्या करेंगे ग्रामीण लोग? हम ये चाह रहे हैं कि अगर सहायक रोजगार सहायक अगर नहीं हटेगा तो हम धरना देंगे बालाघाट जिले में। कलेक्टर महोदय और यहाँ पे जिला कार्यालय सहायक सचिव दोनों हटे। क्या नाम है आपका? विक्रम ठाकरे।